सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें डेली वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ विदाउट स्टीमर मोमोज कैसे बनाते हैं वो मैं आपको। उसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg बोनलेस चिकन जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, 3 मीडियम साइज अनियन जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून सॉल्ट है ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 2 टेबल स्पून ऑयल है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, ये ओरिगैनो है जिसको आप 1 टेबल स्पून रख सकती हैं, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ये मोमोज की स्टफिंग है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपको जितना लगता आप रख सकती हैं, मैं पूरा रख देती हूँ। तो ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये ओरिगैनो है जिसे अराउंड 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून। इसे मैं मिक्स करूँगी। ये मोमोज की स्टफिंग रेडी हो गई है। अब मैं डो बनाऊँगी, तो उसके डो के लिए 1 बाउल मैदा चाहिए। उसमें हम 2 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, उसे मिक्स करेंगे। अब ये डो रेडी हो चुका है। अब मैं इसे 1/2 आवर के लिए सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। ऐसे आप तेल लगा लीजिएगा ऊपर से। अब मैं आपको मोमोज की चटनी बनाने का तरीका बताऊंगी। उसके लिए हमें चाहिए 4-5 टमाटोज, कुछ खड़ी लाल मिर्च और 10-15 लहसुन की कलियां, और इसे मैं बीच से कट कर लूँगी ताकि जब मैं इसे बॉईल करूँ तो इसका स्किन रिमूव अच्छे से रिमूव हो जाए, और कुछ 1 टेबल स्पून सोया सॉस हम लोग को चाहिए। अब मैं चटनी बनाने के लिए टमाटर को प्रेशर कुकर में डालूँगी, उसके साथ ये लाल मिर्च डाल दूँगी, इसमें पानी डाल के प्रेशर लगा दूँगी। जैसा कि मैंने बताया था, प्रेशर कुकर में इसे कुक करना है टमाटर को, तो मैंने इसे कुक कर लिया है और इसके ऊपर के सारे छिलकों को निकाल दिया है, और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब मैं चटनी रेडी करूंगी। उसके लिए 1 टेबल स्पून ऑयल चाहिए। ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसमें मैं थोड़ा लहसुन डालूंगी, अराउंड 1 टेबल स्पून। जब ये थोड़ा रेड हो जाए तब मैं इसमें छोटा छोटा कटा हुआ प्याज डालूंगी। जब ये थोड़ा लाल हो जाए तब इसमें हम प्याज डालेंगे। इसके बाद हमने जो टमाटर पीसा था वो हम डाल देंगे। अब मैंने मोमोज बनाने के लिए छोटा छोटा डो बना लिया है। अब इस डो को मैं बेलूंगी, बेलने के बाद इसमें फिल करूंगी।
अब मैंने सारे डो को बेल लिया है और मैं अब इसमें फिल करना सिखाऊंगी। मैं तीन तरीके से आपको फिल करना सिखाऊंगी। आपको जो भी इजी लगेगा आप वो कर सकती हैं। इसमें हम लोग पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये इसमें ऐसे ऐसे रखना है, इसमें ऐसे एक के ऊपर एक मैं रखते जाऊंगी। उसके बाद ये नीचे से ऐसे प्रेस कर दूंगी। ये एक हो गया, अब मैं दूसरा बताऊंगी। अब ये दूसरा इस तरह से पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। उसके बाद यहाँ से लेकर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, सिर्फ हाफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद ऐसे करके इसे ये ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब मैं थर्ड मेथड बता रही हूँ आपको। मैं इसे साइड बाय साइड फोल्ड करते रहेंगे सर्कल में। ऐसे गोल पोटली जैसा बनाएंगे हम। ये ऐसे बने। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विदाउट स्टीमर मोमोज कैसे बनाएंगे, तो वो उसका तरीका ये है कि एक बड़ी सी पतीली लेंगे, इसमें पानी बॉईल करेंगे। पानी बॉईल करने के पास आपके घर में जो भी कॉटन का दुपट्टा हो उसे लेकर जब पानी बॉईल हो जाए तब उसे ऐसे करके लपेट देंगे। टाइटली लपेटेंगे ताकि के बाद जो हमने मोमोज बनाया है उसे हम इसके ऊपर रख देंगे। ये ऐसे रखकर इसे हम ऐसे ढक देंगे और अब हम इसे ऐसे ढक देंगे और अराउंड 10 मिनट्स के बाद हम इसे खोलकर पलट देंगे। पलटने के बाद फिर 5 से 10 मिनट के अंदर वो हमारा मोमोज रेडी हो जाएगा। सारे मोमोज को पलट लूँगी। अब 10 मिनट्स हो चुका है, अब हम चेक करेंगे कि ये रेडी हुआ या नहीं। ये रेडी हो चुका है, हम इसे सर्व करेंगे। अब ये हमारा मोमोज बनके रेडी है। आप लोग अपने घर में ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।